हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूट्यूबर चैनल पे। गाइस, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको मिलती है एनीमे और कार्टून से रिलेटेड छोटी छोटी न्यूज, बड़ी से बड़ी अपडेट। आज वीडियो काफी हो समय, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, मतलब देख लो ना, ब्राउजर खोल के हेंटाई देखने का प्लान है। और अगर 0.1% वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, भाई वीडियो बड़ी अच्छी लगी, बहुत दिन हो गए यार ऐसा कमेंट पड़े हुए। तो बिना आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो क्रंचीरोल इंडिया लेके आ चुका है इंडिया में जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी, और इतना ही नहीं, स्पाइक्स फैमिली का सीजन 2 और सीजन 1 आपको स्ट्रीमिंग में देखना पड़ेगा डब में, और ब्लू लॉग अब आप देख सकते हो क्रंचीरोल इंडिया पे, और बीस्ट एमआर भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ एनिमे है जो कि इंडिया के अंदर अभी प्रवेश कर चुके हैं, और हो सकता है फ्यूचर में आपको इनका हिंदी डब भी देखने को मिले। कुछ लोगों की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि क्रंचीरोल पे अपनी हिंदी डब जब भी देखने जाते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन का कुछ प्लान आ रहा है। देखो वो लोग कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय दो उनको, ठीक कर देंगे। और अब बात करते हैं एक नए एनिमे को लेके, द फैमिली सर्कमसिशन ऑफ द मिसमैच विच इज के एनिमे करने का यूजुअल निकल के आ चुका है। ये एनिमे 2023 से शुरू होगा, तो यानी देखो मैं अभी डेफिनेटली कह सकता हूँ ये 2023 से बनना शुरू होगा, ये टेलीकास्ट होगा। अभी इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, पर क्रॉस फिंगर्स कि ये एनिमे 2023 से बनना शुरू ना हो, ना मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा यार। और अब बात करते साइंस फिक्शन फैंटेसी मांगा द किंगडम ऑफ रूइन के एनिमे अडेप्शन मिलने वाली है, और जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके बारे में सॉरी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो, ओके। और अब बात करते डिटेक्टिव कोनन, तो डिटेक्टिव कोनन की मूवी 26 के यूजुअल निकल के आ चुका है। ये मूवी 14 अप्रैल के लिए शेड्यूल है, तो क्या इंडिया में आएगी? तो अभी इसके बारे में अभी किसी भी एनिमे चैनल ने कुछ भी नहीं बोला, यानी कि किसी भी एनी जो एक एनिमे कमेटी होती है जैसे कि PVR हो गई, किसी भी सिनेमा से ने कुछ भी नहीं बोला कि ये मूवी अभी इंडिया में आएगी। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मूवी हमें क्रंचीरोल पे देखने को मिले। और अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी अपडेट, ब्लीच एनिमे के 3rd सीजन नेटफ्लिक्स इंडिया पे स्ट्रीम हो रहा है, तो जाके देखो। तो देख लो, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि यार भाई मेरे पास डिज्नी की सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन। अब तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो गई ना यार, अब तुम नेटफ्लिक्स पे भी ब्लीच एनिमे देख सकते हो। और हाँ, किस किस ने ब्लीच थाउजेंड से और ब्लड वॉर देखी प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अब बात करते हैं सुजुमे मूवी को लेके, तो सुजुमे मूवी की अर्निंग $101 मिलियन हुई है, और ये 23rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है जापान की यार, कसम से। या तक कि ड्रैगन बॉल सुपर जो मूवी आई थी अभी, क्या उसका नाम यार, सुपर हीरो ऐसे कुछ मूवी का नाम था, वो 24 रैंक पे है, यानी कि कमाल कर दिया यार। और आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट करो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर सो क्लोज टू कम्प्लीटिंग 400 सब्स, ओके, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके, कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।